हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 30 जनवरी। सो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो कल पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया गया, राइट। देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट पेश होने से जस्ट पहले ये पेश किया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे पिछले एक साल में हमारी गवर्नमेंट ने जो परफॉर्म किया है, ठीक है, हमारे देश की जो भी ग्रोथ रेट रही है और सेक्टर वाइज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस की जाती है। और ये जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो वो इसको बनाता है, ठीक है। और ये इसमें गाइडेंस होती है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की, जो कि ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये अरविंद सुब्रमण्यम है और यही है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। तो इनके गाइडेंस में ये बनाया जाता है। तो देखिए इस इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि जो हमारी जो ग्रोथ रेट होगी अगले साल की, ठीक है ना, वो 7 से 7.5% होगी, यानी कि 7 से 7.5% की इन्होंने रेंज दी है। और इन्होंने ये कहा है कि चूंकि हमारी जो इकोनॉमी है अब रिवाइव कर रही है, और रिवाइव बेसिकली इसलिए कर रही है क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी रिवाइव देखने को मिल रहा है। और जो और अच्छी बात यह है कि जो निगेटिव इफेक्ट थे डिमोनिटाइजेशन के और इसके अलावा जीएसटी के, वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो असर है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो इसकी वजह से अब हमारी इकोनॉमी अगले साल वो रिवाइव करने की उम्मीद है। और देखिए इस साल जो ये साल 2017-18 था, तो इसमें हमारी इकोनॉमी ने 6.75% की स्पीड से ग्रो किया है, ठीक है ना। और ये जो 6.785% ये जो ग्रोथ रही है, ये सीएसओ की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी 6.5 उससे ज़्यादा रही है, समझ रहे हैं। मतलब सीएसओ ने कहा था कि 6.5% की ग्रोथ रेट हमारी रहेगी, लेकिन हमने अचीव किया है 6.75, तो उनके एक्सपेक्टेशन से हमारी ज़्यादा ग्रोथ रही है। इसके अलावा और चीज़ों की अगर बात करें तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो हमारा टैक्स जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है, तो नए जो रजिस्ट्रेंट्स हैं, मतलब नए लोग जो हैं इसमें शामिल हुए हैं इस बार, तो उसमें देखिए काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। और ये देखिए ये जो है ये ग्राफ जो है इससे आप पता लगा सकते हैं, ये जो हैं ये वाले नए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये करीब मेरे ख्याल से 3.5 मिलियन के आसपास ये लोग हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो लेकिन काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ये देखिए परसेंटेज में ये लिखा हुआ है कि कितने परसेंट बढ़ी है, तो ये 2014-15 से लेकर 2017-18 तक परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज दिया हुआ है। तो अभी देखिए आप देखेंगे 16-17 और 17-18 को कंपेयर करेंगे तो ये कह रहे हैं कि 11.5% अभी प्राइसेस चेंज हुई है, राइट। और ये जो ग्राफ है ये हमारी ग्रोथ रेट जीडीपी ग्रोथ रेट को दर्शाता है। तो 14-15 में हमारी ग्रोथ थी 7.5, 15-16 में ये हो गई 8, ठीक है, 16-17 में 7.1 थी, और ये 17-18 में 6.5 रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डिक्रीज़ कर रही है 8 से 7.5, 7.1 और फिर 6.5, लेकिन अब यहाँ से रिवाइव करने की उम्मीद है, राइट। तो आगे अंदर अभी और काफ़ी डिटेल्स है इसकी, तो आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। एक और चीज़ देखिए इसमें जो डिस्कस की गई है, इसमें ये कहा गया है कि हमारी देखिए ऑयल इन्फ्लेशन से, ऑयल को इन्होंने इन्फ्लेशन से लिंक किया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब 10 रुपये पर बैरल ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इससे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो 0.2 से 0.4% उसमें स्लो डाउन देखने को मिलता है, और 0.3 से 0.4% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप याद रखें। ये कह रहे हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ते हैं, ठीक है, या सिर्फ अगर 10 रुपये पर बैलर भी बढ़ जाता है तो हमारा इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ दोनों अफेक्टेड होता है। जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है 0.2 से 0.4%, और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 0.3 से 0.4%। तो ये सारी डिटेल्स थी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे,
तो इसमें देखिए गवर्नमेंट हैज़ कर्ब्ड इन्फ्लेशन। तो एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पता होनी चाहिए, जब भी कोई सेशन होता है तो पहला सेशन जो होता है उसको राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन करके एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसमें सारे लोग एक साथ बैठते हैं और उसको एड्रेस कर किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपनी सरकार की पूरी उपलब्धियों को बताते हैं और क्या करना है, और ठीक है गवर्नमेंट का विज़न क्या है इसका पूरा, इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए इन्होंने कल कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन को कर्व करना चाहती है और फोकस इनका है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे। इसके अलावा इन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस पे भी काम कर रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो कह रहे हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इस बार जो रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर, इसके अलावा डिग्निटी ऑफ वुमेन, बिल्डिंग टॉयलेट्स, प्रोवाइडिंग कुकिंग गैस कनेक्शन, इम्प्रूविंग मैटरनिटी बेनिफिट्स, ठीक है। एक्सप्रेसिंग होप दैट द बिल टू ट्रिपल तलाक पे भी इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपील भी की है कि इसका साथ दें, मतलब अपोजिशन से, और इसको पास कराने में हेल्प करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा इन्होंने कुछ जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनको भी इसमें मेंशन किया है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट इन्होंने मेंशन की है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड, तो इन्होंने ये कहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा जो है वो 410 बिलियन पहुंच गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, राइट। तो ये एड्रेस था प्रेसिडेंट का, ज्वाइंट सेशन, ठीक है। ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है जब भी कोई सेशन शुरू होता है। इसके अलावा देखिए प्रेसिडेंट और पीएम दोनों ने ही ट्रिपल तलाक बिल को पास करने, कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पास करने में आप लोग हेल्प करें, ऐसा इन्होंने रिक्वेस्ट किया अपोजिशन से, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा से तो पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में ये अभी फंसा हुआ है, और जो अपोजिशन है वो डिमांड कर रही है कि इसको पहले सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रोविज़न है जेल टर्म का उसमें थोड़ा सा उस पर मतलब सहमति नहीं बन पा रही है। और इसके अलावा डायमंड्स में कट विथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो ये कह रहे हैं कि जो डायमंड है उसमें उस काफ़ी अच्छा ये मतलब इसकी ग्रोथ रही है। और आप लोगों को पता होगा अभी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड अभी जल्दी शुरू हुआ है, तो कह रहे हैं कि उसके बाद से इसमें काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है, राइट। कह रहे हैं अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं और फर्स्ट डायमंड फ्यूचर एक्सचेंज बिगन टू ऑपरेशन इंडिया, इफ़ द ट्रेडिंग डाटा और एनी इंडिकेशन इट विल अपियर दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स आर मेकिंग डायमंड देयर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इन्वेस्टर कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो इनका ट्रेड होता है वो 5 महीने से कम में भी लगभग डबल हो गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर रही है, और लगभग कह रहे हैं कि देखिए ये डबल हो गया है जो भी इसका ट्रेड हुआ करता था इससे पहले, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे कुछ नहीं हमारे लिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जो मर्डर हुआ था अफराजुल का, उसमें एक कहा है कि आप एक फ्रेश प्ली फिर से फाइल कीजिए क्योंकि आपकी जो प्ली पिटीशन थी वो पुअरली ड्राफ्टेड थी, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और यूपी देखिए सेटअप करने वाली है 6,000 सोलर प्लांट्स को, ठीक है। इनका टारगेट ये है कि 10,700 10,700 मेगावाट ये चाहते हैं कि क्लीन एनर्जी ये पैदा की जाए और अगले 5 सालों में, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने 6,000 जो सोलर प्लांट्स हैं उसको सेटअप करने का प्लान कर रही है। और बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ पे हमारे लिए कुछ है नहीं, और हाँ इसमें हमारे लिए कुछ डिस्कस करने का नहीं है। ये बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें दो स्कीम जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में लिखा हुआ है, तो जल्दी से ज़रा देख लेते हैं। देखिए अगर आप सिर्फ 12 रुपये पर एनम खर्चा करते हैं तो आप लोगों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा 2 लाख रुपये का, ठीक है। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी है 18 to 70 ईयर्स, राइट। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर सिर्फ 330 रुपये पर एनम तो आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 2 लाख रुपये का, राइट। और इसकी एलिजिबिलिटी है 18 to 50 ईयर्स,
ठीक है ना। इसके अलावा ये देखिए कह रहे हैं इसका जो पीरियड है इंश्योरेंस का, ये 1 जून से 31 मई तक का होता है, और ये एनुअल जो प्रीमियम है आपका ये ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, आपके अकाउंट से, आपके बैंक से ये मतलब अपने आप ये पैसा आपका कट जाएगा। इट इज़ डिज़ायरेबल टू प्रेजेंट योर क्लेम विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सीडेंट एंड क्लेम सेटलमेंट विद इन 60 डेज ऑफ इंटीमेशन, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लेम करना है तो आपको एक्सीडेंट के 30 दिन के अंदर ही ये करना होगा, या फिर अगर ये देखिए या 60 डेज के, मतलब अगर एक्सीडेंट है तो 30 डेज, और या फिर अगर आपका कोई इंटीमेशन है तो उसमें 60 डेज है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी स्कीम के बारे में हमने देखा। बढ़ते देखिए अगली न्यूज़ है काउ विजिटेंटिज्म से रिलेटेड। तो इसमें कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है 3 स्टेट से, और ये 3 स्टेट है राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसमें इन्होंने जिसने प्ली दाखिल की है वो है आपके महात्मा गांधी के जो ग्रैंड सर है तुषार गांधी। तो इन्होंने ये कहा है प्ली बेसिकली इन्होंने इसलिए दायर की है कि इनको कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट एक्शन की डिमांड कर रही है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप काउ विजिटेंटिज्म के खिलाफ एक्शन लीजिए, और इसमें इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि सीनियर ऑफिसर को नोडल ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, लेकिन इस पर तीनों इन स्टेट ने इस पर काम नहीं किया, तो एक तरीके से कंप्लाई नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, राइट। तो उस पर इन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से कंटेम्प्ट का इन पे केस बनता है। अगली न्यूज़ बढ़ते हैं, ये देखिए एडिटोरियल वगैरह है तो इसको स्किप करते हुए। फ्रिक्वेंट पोल्स अब बढ़ते, देखिए कल एक और चीज़ काफ़ी जिस पे इम्फेसिस किया गया वो है आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंट पोल्स होते हैं उससे क्या होता है गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ता है, क्योंकि इससे डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होता है वो हैम्पर होता है, और डेवलपमेंट का प्रोसेस क्यों हैम्पर होता है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स होता है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद आपको पता होगा कि सारे डेवलपमेंट के प्रोसेस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से इन्होंने प्रेसिडेंट जो है और पीएम दोनों ने ही इस पे एम्फेसिस किया है इस कम से कम इस पे डिबेट शुरू की जाए, राइट। ये वही न्यूज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, पीएम पुशेस फॉर साइमल्टेनियस पोल, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट का मतलब है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसमिस कर दी है प्ली को, पद्मावत के खिलाफ एक और प्ली आई थी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नहीं इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मलेशिया ने इस फिल्म को बैन कर दिया है, राइट। और ये कह रहे हैं कि ये फिल्म टचेज ऑफ द सेंसिटिविटीज ऑफ द इस्लाम, इसकी वजह से इन्होंने बंद कर दिया। इसके अलावा देखिए अगली न्यूज़ है ओपन टू टॉक विथ इंडिया और CPEC। तो चाइना ने कहा है कि हम वी ऑफर्ड टू ओपन टॉक विथ इंडिया टू रिजॉल्व डिफरेंसेज आर द CPEC, ठीक है ना। तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर ये कर रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, और इंडिया को उसमें मतलब ये चाहते हैं कि जो भी डिफरेंसेज है उसको रिजॉल्व कर लिया जाए, राइट। और ये है कासगंज में जो वायलेंस हुआ था उससे रिलेटेड। इसके अलावा अलवर और अजमेर में कल देखिए इलेक्शन हुए और उसके रिजल्ट अभी आने बाकी है, तो अच्छा परसेंटेज टर्नआउट देखिए 60% करीब, 60 और 55% दोनों जगहों पे साइमल्टेनियसली देखने को मिला। इसके अलावा सॉरी ये पिछली बार का है, ये 63.7% टर्नआउट देखने को मिला है, ठीक है ना। और वेस्ट बंगाल में भी बाई पोल इलेक्शन हुए, वहाँ पे 70% वोटर का टर्नआउट रहा है। और ये वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ है, तो रेडी फॉर ट्रेड वार EU ने कहा है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा था, अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि ये जो ब्लॉक है यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है ये एक तरीके से अनफेयर ट्रेड को बढ़ावा देता है। तो उस पर इन्होंने हिटबैक किया और उन्होंने कहा है कि जो हमारा स्टैंड है इट स्टैंड्स रेडी टू हिट बैक स्विफ्टली एंड अप्रोप्रिएटली इफ़ द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टेक्स अनफेयर ट्रेड बीजर अगेंस्ट 28 नेशन ब्लॉक, राइट। कह रहे कि अगर US के जो डोनाल्ड ट्रंप है अगर वो हमारे खिलाफ अनफेयर ट्रेड पॉलिसी अगर अपनाते हैं जो 28 नेशन है यूरोपियन यूनियन में, तो हम भी उनके खिलाफ मतलब उनके साथ ऐसा ही करेंगे, राइट। मतलब उसका ईंट का जवाब ये कह रहे कि पत्थर से देंगे। और ये
श्रीलंका इज़ ऑल टॉक एंड नो एक्शन ऑन रिपीलिंग टेरर लॉ, राइट। देखिए फिर से इकोनॉमिक सर्वे में हम आ गए और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये देखिए इसमें पहले जो न्यूज़ है टैक्स पेयर से रिलेटेड, तो पिछली बार के कंपेयर में जो टैक्स पेयर्स हैं उनके नंबर्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इनडायरेक्ट जो टैक्स पेयर्स हैं वो 50% उनके नंबर बढ़ गए, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा बूस्टअप देखने को मिला है और आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से कंप्लायंस भी काफ़ी हुआ है, ठीक है। तो कंप्लायंस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तभी तो लोग आ रहे हैं, तभी तो लोग टैक्स देना पसंद कर रहे हैं, राइट। और तो नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन वॉलंटरली कंप्लायंस विथ अबाउट 1.7 मिलियन रजिस्टर्ड हु आर बिलो द थ्रेश होल्ड ऑफ एनुअल टर्न ओवर लिमिट 20 लाख चूजिंग द रजिस्टर फॉर GST नेवरदलेस, ठीक है ना। तो जिनका थ्रेश होल्ड 20 लाख से कम है वो कह रहे हैं कि 1.7 मिलियन ऐसे रजिस्टर्ड्स हैं, राइट। तो ये लगभग जो नंबर बढ़ा है वो ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स पेयर का वो कितना है, 50% है, ठीक है। और अगली न्यूज़ देखिए है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि अब टाइम आ गया है कि मॉनिटरी चेंजेस किए जाए, राइट। इन्होंने बेसिकली कहा ये है, देखिए चूंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा है, राइट, तो इसी को कर्व करने की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इसके लिए हालांकि गवर्नमेंट के पास या मॉनिटरी अथॉरिटीज़ है जो उनके पास जो चॉइस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी पॉलिसी मतलब कुछ ऐसी बनानी चाहिए ताकि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो वो कम से कम हो, ठीक है। और इसके अलावा SMEs जो है, SMEs का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एंड, आप बताइए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होल्ड की टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो SMEs क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये कह रही रहे कि अभी जो करेंट एपिसोड है उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्लो है, राइट। और जो ये इन्वेस्टमेंट की जो स्लो है ये इम्पैक्ट करती है ग्रोथ को, राइट। तो यही कह रहे हैं कि इसमें ज़रूरत इस बात की है कि इन्वेस्टमेंट को रिवाइव किया जाए और उस पे अभी प्रायोरिटाइज अर्जेंटली टू अरेस्ट मोर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ से डेको। तो ये कह रहे हैं कि जो भी अभी अर्जेंट मेजर जो भी लिए जाने हैं इसको रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट को, वो गवर्नमेंट को लिए जाने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जो भी अभी पॉलिसीज आएगी इस बजट में वो कुछ उसमें कुछ ऐसा होगा ताकि ये इन्वेस्टमेंट जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। देखिए इन्होंने लिखा है कि द पॉलिसी कंक्लूजन इज अर्जेंट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिवाइवल टू अरेस्ट मोर लास्टिंग ग्रोथ इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपको अगर ग्रोथ जो है आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं और इस पे इम्पैक्ट चाहते हैं कि मतलब इस ग्रोथ पे इम्पैक्ट कम पड़े, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है स्पेशली इन SMEs की उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है ना। तो उस पे काम करना होगा। और ये देखिए यही बेसिकली वो कॉपी है, इस बार ये जो पिंक बनाई गई है और ये पिंक ये शो करता है कि जो हमारे जेंडर इश्यूज जो है उसको एक तरीके से दर्शाता है, ठीक है ना। तो हाँ देखिए इसके अलावा और ये कहा गया है कि अगर आपको एक्सपोर्ट अगर बूस्ट करना है तो जो भी एम्बेडेड टैक्स है, एम्बेडेड टैक्स का मतलब ऑलरेडी जो टैक्स इंक्लूडेड है उसको आप एलिमिनेट कीजिए, राइट। तो इन्होंने ये कहा है कि GST जो काउंसिल है शुड कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू एम्बेडेड टैक्स एंड एक्सपीडियसली एलिमिनेट द एम्बेडेड एक्सपोर्ट टैक्स टू बूस्ट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो जो भी एम्बेडेड टैक्स है उसको आप एलिमिनेट कीजिए, राइट। इसके अलावा सी देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कॉशन भी किया है, इन्वेस्टर्स ऑन स्टॉक टचिंग रिकॉर्ड हाई, राइट। तो उन्होंने कहा है कि एसेट प्राइसेस स्पाइक दे टेंड टू कम बैक, द राइज टू स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैव टू बी मॉनिटर्ड क्लोजली एंड इन्वेस्टर्स नीड्स टू एक्सरसाइज कॉशन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी स्टॉक मार्केट है उसको भी एक तरीके से क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कहा है, एक सेकेंड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन्होंने कहा है कि इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इन्वेस्टमेंट गैप वुड बी अबाउट 55 to 56 बिलियन बाई 2040, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया को लगभग 2040 तक 4.6 ट्रिलियन की ज़रूरत है
इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने के लिए, राइट। तो मतलब काफ़ी काम करना है अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो टैक्स पेयर से रिलेटेड, उसमें ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो बिगेस्ट लिटिगेट्स है, और मतलब जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन है, जो भी केसेस है, उसमें देखिए कह रहे हैं कि जो भी केसेस है उसमें से 85% जो केसेस होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार जाता है, राइट। और तो मतलब कि ये कह रहे हैं कि सक्सेस रेट जो है वो 30% से भी कम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। और इन मार्च 2017 देर वर अप्रॉक्सीमेटली 1.37 लाख डायरेक्ट टैक्स केसेस एंड 1.45 लाख इनडायरेक्ट टैक्स केसेस, ठीक है ना। तो 1.36 लाख जो है ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड और 1.45 इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड केसेस ऑलरेडी हमारे जुडिशरी में अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है ना। तो मतलब ये लिटिगेशन के तौर पे ये ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। और अगर इन दोनों केसेस के अमाउंट की बात करें, ठीक है, तो ये करीब आएगा आपका 7.58 लाख करोड़, ठीक है। तो मतलब 7.58 लाख करोड़ जो है ये अमाउंट है, और जो भी केसेस है जिन पे लिटिगेशन है, जो जो भी, तो उस पर ये कह रहे हैं कि अगर इसको जीडीपी के में कंपेयर करें तो ये करीब 4.7% ऑफ द जीडीपी आएगा। तो समझे क्या हुआ, देखिए ये कह ये रहे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा लिटिगेंट है हमारे जुडिशरी का, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो कि मतलब उसमें अंडर कंसिड्रेशन है जुडिशरी में। और उसके अगर अमाउंट की बात करें तो वो आता है करीब आपका 7.58 लाख करोड़, जो कि 4.7% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है। तो मतलब इतनी 4.7% ऑफ जीडीपी, इतना जो अमाउंट है वो हमारा वो अंडर कंसिड्रेशन है और वो कोर्ट में अभी भी फंसा हुआ है, राइट। और फिर आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ने हम जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, फार्म इनकम जो होती है, उसको बहुत ही बैडली हिट किया है, राइट। और ये कह रहे हैं कि इनकम लूजेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज कुड बी बिटवीन 15 to 80% ऑफ द एवरेज और राइजिंग टू एनीवेयर बिटवीन 20 to 25% इन अनइरीगेटेड एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया इसको, एक तो ये कह रहे हैं कि जो इरीगेटेड एरिया है वो, और एक अनइरीगेटेड एरिया, राइट। तो ये कह रहे हैं कि जो भी इरीगेटेड एरिया है वहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा कम होता है, और अनइरीगेटेड जो एरिया है वहाँ पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो समझ रहे क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी है वहाँ पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि सॉरी, जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी है वहाँ पे कम पड़ता है, और जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे जो फार्मर की इनकम होती है वो 15 से 18%, ठीक है। और जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी है वहाँ पे 15 to 18% वो फार्मर अपनी इनकम लूज़ करते हैं, राइट। तो मतलब इतना उन्हें पैसे इनके कम हो जाते हैं, ठीक है। उनकी इनकम जो होती है इतने परसेंट कम हो जाती है, और ये किस लिए होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज में ये होता है कि या तो टेम्परेचर देखिए बहुत ही ज़्यादा होता है वो हिट करता है, या कि फिर इरेगुलर जो बारिश होती है, मतलब जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती है, डिले करके होती है, या पहले हो जाती है टाइम से, तब भी उससे क्या होता है, ये क्लाइमेट उसके क्या नाम है फार्म इनकम पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इस पे जो फार्म आउटपुट है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो अल्टीमेटली किस पे इम्पैक्ट आएगा उसका, वो फार्म इनकम पे आएगा। इसके अलावा हाउस होल्ड जो कैश है उसमें देखिए कह रहे हैं कि 20 to 50% उसमें डिप देखने को मिला, ठीक है। तो 250% उसमें कमी आई है, कमी आई है इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी न्यूज़ ये इसलिए है क्योंकि इसका मतलब कि लोग अब बैंकों में ज़्यादा अपने पैसे रखना पसंद कर रहे हैं, और बैंकों में रखना इसका मतलब एक तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी में वो पैसे आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो फिस्कल डेफिसिट देखिए जो रहा है तो वो रहा है आपका 17-18 में जो गवर्नमेंट का एम था 3.2% ऑफ द जीडीपी, ठीक है, और उसको लगभग अचीव कर लिया हमने। और अगला ये जो है टारगेट 3% इसका रखने का प्लान है 2018-19 के लिए, जो टारगेट है वो कितना है 3%, राइट। और इंडियाज स्पेंडिंग का साइज, हाँ अगर देखिए कह रहे हैं कि रिसर्च में इंडिया में सिर्फ 0.5% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाता है, जबकि चाइना में ये 1% है और यूएस में ये जो है वो 2.5% है। तो इंडिया में अभी भी रिसर्च में अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। ओपन डेफिकेशन की बात करें तो 90% ये कह रहे हैं कि 90% ऑफ दोस्त विथ टॉयलेट यूजिंग देम, राइट। तो कह रहे हैं कि 90% उसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास टॉयलेट है फिर भी ये ओपन डेफिकेशन करते हैं। और लेकिन ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही फिर भी इसमें नंबर जो है वो धीरे धीरे काफ़ी कम हुआ है। और देखिए नंबर ये कह रहे हैं रूरल एरिया में जो 2014 में था उसका लगभग अब आधा हो गया है, राइट। और स्वच्छ भारत मिशन आप लोगों को पता होगा, ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है। और इसके अलावा देखिए जो कुछ स्टेट्स हैं हमारे जिनको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया है वो है हमारे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, दमन दीव, चंडीगढ़, ठीक है। ये जो है ये ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट्स हैं, राइट। हाँ, और फार्म सेक्टर देखिए कह रहे हैं कि एक, हाँ इकोनॉमिक सर्वे में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट निकल के आई है, ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में, ठीक है, फेमिनाइजेशन बढ़ रहा है। फेमिनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो मेन है वो क्या करते हैं, वो सिटीज़ की तरफ जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो जब ये सिटीज़ की तरफ जाते हैं तो घर पे वहाँ पे औरतें ही रह जाती है, तो रूरल वुमेन जो हो रही है वो कह रही है कि वो ज़्यादातर उनका रोल होता है फार्मिंग में, ठीक है। तो उनका नंबर ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि मेन जो होते हैं वो शहर की तरफ मूव करते हैं, तो घर मतलब रूरल एरियाज़ में अब औरतें ही ज़्यादा रह जाती है, तो उनका रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है फार्मिंग सेक्टर में, राइट। इसके अलावा रिन्यूएबल्स की बात करें तो इस पर भी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि इसको ज़रूरत की इसको भी इसमें भी रिविजिट की ज़रूरत है और लोअर टैरिफ और मतलब आपको करना चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट नीड्स टू रिविजिट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव फॉर रिन्यूएबल बिकॉज इट्स टैरिफ इज अप्रोचिंग ग्रिड पैरिटी एंड सब डिस्कॉम्स आर इंसिस्टिंग फॉर रीनिगोशिएशन ऑफ ऑलरेडी लिंक्ड पीपीएस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस पर जो टैरिफ है उसको लोअर करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा सब्सिडीज और इंसेंटिव जो दिए जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में उस पर एक बार रिविजिट करना चाहिए, उसको एक बार तो फिर से उसका रिव्यू करना चाहिए, राइट। तो ये सारी आज से आज की जो न्यूज़ थी तो इतनी ही थी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एक एक न्यूज़ को जो भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है सबको पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये डाटा जो है आज हमने देखे हैं ये डाटा हम यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही इफेक्टिव होगा, राइट। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।